जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पुस्तक का नाम भगवन नाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, एक भी सांस खाली खोए न खलक बीच, कीचड़ कलंक अंक धोए ले तो धोए ले। भाइयों बहनों ने पैसों को बहुत कीमती समझा है। पैसा इतना कीमती नहीं है जितना कीमती हमारा समय है। मनुष्य जन्म का जो समय है वह बहुत ही कीमती है। मनुष्य जन्म के समय को देकर हम मूर्ख से विद्वान बन सकते हैं, समय को देकर हम धनी बन सकते हैं। समय लगने पर एक आदमी के परिवार के सैकड़ों लोग हो जाते हैं। समय को लगाकर हम संसार में मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। समय लगने से स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो सकती है। इतना ही नहीं, मनुष्य शरीर का समय लगने से हो जाए परमात्मा की प्राप्ति, जिसके बाद कुछ करना बाकी न रहे। इस प्रकार समय लगाकर सांसारिक सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, किंतु सब की सब चीज़ें रुपए पैसे आदि देने पर भी हमें जीने का समय नहीं मिलता। आपने 70-75 वर्षों की उम्र में 60 वर्ष रुपए कमाने में लगाए, 60 वर्षों में बहुत जमीन जायदाद इकट्ठी कर ली। अब उस संपत्ति को देकर क्या हम 60 घंटे भी और जीना चाहें तो क्या जी सकते हैं? इसमें थोड़ा विचार करें। जिस पूंजी को बटोरने में एक वर्ष लगा, उस पूंजी के बदले एक मिनट, और 60 वर्ष की पूंजी के बदले में 60 मिनट लेना चाहें तो नहीं मिल सकते। हमारा समय बर्बाद हो गया ना। देखो, वैश्य भाई ऐसा व्यापार नहीं करते कि जिसमें पूंजी तो लग जाए और पीछे कोड़ी एक बचे नहीं। व्यापार में तो कुछ ना कुछ पैदा होना ही चाहिए, परंतु इधर 60 वर्षों की उम्र में जितनी पूंजी इकट्ठी की, उसके बदले में 60 महीने मिल जाएं, 60 दिन मिल जाएं, तो भी 12वां अंश तो मिला, परंतु 60 दिन तो दूर रहे, 60 घंटा 60 मिनट भी नहीं मिलते। आज दिन तक के समय में हमने जो संग्रह किया, उस संग्रह के बदले में हमारा गया हुआ समय वापस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे समय बर्बाद ना हो, इसलिए आज से ही विशेषता से सावधान हो जाएं। हम विशेष सावधान तभी हो सकते हैं जब निर्णय करके आए कि हम क्या चाहते हैं। यदि हम रुपए पैसे चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं, निरोगता चाहते हैं, सदा जीते रहना चाहते हैं, तो ये सब बातें कभी नहीं हो सकती, असंभव हैं। और मनुष्यों को इसका भी होश नहीं कि हम क्या चाहते हैं, हमारी असली चाह क्या है, इसका भी पता नहीं है, क्योंकि हम खोज ही नहीं करते, इधर ध्यान ही नहीं देते कि वास्तव में हमारी चाह क्या है। इस वास्ते सज्जनों, इसमें तो स्वयं आपको सोचना होगा, इसमें कोई सहारा देने वाला नहीं है। जब मृत्यु आएगी, उस समय में प्यारे से प्यारे ज़्यादा स्नेह रखने वाले रो लेंगे, इसके सिवा वे क्या कर सकते हैं? कुछ भी सहायता नहीं कर सकते। अगर आप भजन करते, भगवान में लगते, तो क्या यह दुर्दशा होती आपकी? देखो भाई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। राम नाम रूपी धन पास में होता तो मरने पर वह पूंजी साथ में चलती। भजन आपने किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान का चिंतन किया है, सद्भावों का संग्रह किया है, अपनी प्रकृति सुधार ली है, अर्थात अपने स्वभाव का सुधार कर लिया है, तो वह आपके साथ चलेगा। परंतु यहाँ की चीज़ें बटोरी हैं, ये साथ में नहीं जाएंगी। स्वभाव में जो बात आ गई वह साथ में जाएगी। आपने अपना स्वभाव जितना शुद्ध बना लिया, उतना आपने काम कर लिया। जितना भजन आपने कर लिया, आपने उतना संग्रह कर लिया, उतनी साथ जाने वाली पूंजी हो गई। यह पूंजी ऐसी विलक्षण है कि सांसारिक धन को चुराने वाले जो चोर डाकू हैं ना, वे भी उस पूंजी को चुरा नहीं सकते। आपकी सांसारिक पूंजी पर डाका पड़ता है, परंतु भजन रूपी पूंजी पर डाका नहीं पड़ता। शरीर यहाँ रहेगा तो वह पूंजी आपके साथ रहेगी, शरीर जाएगा तो वह पूंजी आपके साथ जाएगी, और इसका वजन भी नहीं होगा, भार नहीं होगा। यहाँ संसार में रहते हुए भाई अलग अलग होते हैं,
तो उनमें पूंजी का घर का बंटवारा होता है, परंतु आपके राम नाम धन का कभी बंटवारा नहीं होगा। इतना उसके हिस्से में आता है, इतना अमुक अमुक के हिस्से में आता है। यह राम नाम धन कभी घटता नहीं, मिटता नहीं, भगवान की प्राप्ति करा देता है। ऐसा भजन करने के लिए हमारी जीभ सदा खुली है। खास बात हो तो बोलो, उसके सिवाय नाम जपते रहो। हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की याही उत्तम रीत। जो हाथ से तो काम धंधा करते रहे और मुख से राम 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 चलता रहे, हृदय में भगवान से अपनापन हो, वह गृहस्थी संत है और सभी इस नाम को ले सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य